स्वागत है आपका ट्रैवल आरजे चैनल पे। हमारे पौराणिक मंदिरों की सीरीज में आज हम आपको श्री मुरली मनोहर मंदिर और देवनाथ महादेव मंदिर जो सुपेड़ी गांव जिला जेतपुर में स्थित है राजकोट जिले में वहां की सैर पर हम ले चले हैं। सुपेड़ी गांव जो धोराजी तालुका में जिला राजकोट जिला में ये गांव स्थित है, यहाँ पर ये दो मंदिर जो दो नदियों का संगम होता है उसी जगह पर ये सुंदर दो मंदिर बने हुए हैं। हम वहाँ पर जब पहुँचे तो ये सुंदर नज़ारा हमको देखने को मिला। इसको हम मिस नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हमारे कैमरे में इसको ले लिया। ये जो मुरली मनोहर मंदिर है और ये रेवनाथ मंदिर है, एक ही कॉम्प्लेक्स में ये दोनों मंदिर है। और आज जो त्यौहार था रामनवमी का, इसी कारण यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। ये जो मंदिर, दोनों मंदिर बने हुए दो नदियों के बीच में जहाँ पर संगम होता है वहाँ पर ये बने हुए, और जो नदी उतावली नदी, तो सबसे पहले हम मुरली मनोहर मंदिर के अंदर चलेंगे। ये पूरा मंदिर काफी पौराणिक, करीबन 10वीं-12वीं सदी का ये मंदिर माना जाता है। मैंने बताया कि आज जो त्योहार थे रामनवमी का, इसी कारण से यहाँ पर जो आयोजन किया गया था, इसी हिसाब से हम ठीक तरह से ये वीडियो जो डिटेल में चाहिए इस तरह से नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जितना हो सके उतना डिटेल हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो बाजू में छोटा मंदिर रहता है, उस छोटे मंदिर की जो दीवारों पर नक्काशी आप देख रहे हैं, तोरण, और ये वो आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ से आगे हम जो हमारे मेन मंदिर है उसी उसकी तरफ चलेंगे। त्योहार और यहाँ पर जो उसकी जो उजवनी हो रही थी, इसी कारण से यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आए थे। और मंडप बंधा हुआ, इसीलिए पूरा मंदिर का व्यू हम थोड़ा नहीं देख पा रहे। और अंदर अभी मंदिर का जो विश्राम का टाइम रहता है भगवान श्री कृष्ण का, इसीलिए पर्दा लगा हुआ था। लेकिन ये बाहर की तरफ मेन मंदिर के आजू बाजू दो ऐसे छोटे मंदिर है, और ये पूरी जगह बहुत ही सुंदर जगह है। और ये पौराणिक मंदिर है, 10वीं से 12वीं-13वीं सदी के बीच में बना हुआ ये पौराणिक मंदिर, और जो उस पर जो नक्काशी मूर्तियां जो है बहुत ही सुंदर कलाकृतियां इस मंदिर में आपको देखने को मिलेगी। ये महादेव जी का मंदिर जो बाजू में बना हुआ है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे।
ये जो मेन मंदिर की दीवार आप देख रहे हैं, कितना सुंदर और कितना बारीक काम इस मंदिर की दीवार पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ, अप्सराओं की मूर्तियाँ और जो पत्थरों पर जो डिजाइन बनाई हुई है, फूलों की और जो जियोमेट्रिक डिजाइन है, इतनी सुंदर दिख रही है। अगर ये आजू बाजू मंडप नहीं होता तो ये पूरा जो नजारा है, हम बहुत ही अच्छी तरह से आपको दिखा पाते। मंदिर का शिखर जो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, और जो ये दो हमने कहा मंदिर, मेन मंदिर के आजू बाजू जो दो छोटे मंदिर है, वो भी इतना सुंदर, जो मंदिर का शिखर और मंदिर की दीवारों पर जो इतनी सुंदर नक्काशी जो की है, ये हमारे पौराणिक सभ्यता और गौरवशाली इतिहास का ये भाग आप यहाँ पर इस मंदिर में देख रहे होंगे। आज त्योहार का दिन था, इसीलिए काफी लोग यहाँ पर आए हुए थे। ये मंदिर का जो शिखर आपको दिख रहा है, इतना सुंदर और इतना बारीक काम इस शिखर पर किया हुआ है। जो मंदिर पर जो मूर्तियां बनी हुई है, उसकी भी कोई अलग शैली होगी जो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतिहासकार और मंदिर के जो स्ट्रक्चर की स्टडी करते होंगे, उनको ये मालूम होगा कि एक किस प्रकार की शैली बोला जाता है। ऐसा सुंदर मंदिर और पूरी तरह से बचा हुआ ये मंदिर बहुत ही सुंदर दिख रहा था, और इस पर जो मूर्तियां और नक्काशी पूरी साफ साफ दिख रही थी। इसी तरह ये उसके बाजू में ही देवनाथ महादेव मंदिर है, इसका भी जो शिखर, और ये आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, ये भी उसी तरह से ही 10वीं से 13वीं सदी के बीच में बना ये मंदिर, देवनाथ महादेव मंदिर। और जो मैंने कहा दो नदियों का संगम यहाँ पर, एक कुछ नदी का नाम कुछ उतावली नदी ऐसे कुछ बोला जाता है, और एक दूसरी छोटी नदी, दोनों जगह मिलते हैं, ये यहाँ डेल्टा टाइप बनाता है, वहां पर ये दोनों मंदिर, ये देवनाथ महादेव मंदिर का बाहरी दृश्य, जहां पर देवी देवताओं, अप्सराओं, गंधर्व सबकी मूर्तियां बनी हुई है। अंदर मंदिर की तरफ चलते हैं। ये अंदर का जो मंदिर का मंडप है, कितनी सुंदर तरीके से बना हुआ है। जो में हनुमान जी की मूर्ति, और ये मंदिर का जो डोर फ्रेम है, द्वार अलंकृत नक्काशी से बना, सुंदर डिजाइन से बनाई है, और ऊपर छत पर जो जियोमेट्री डिजाइन है,
वो भी कितनी बारीक और सुंदर। साइड में ये गणेश जी और हनुमान जी की मूर्तियां भी है। और अंदर शिवलिंग, बहुत ही सुंदर और पौराणिक मंदिर। ये रेवनाथ महादेव का मंदिर है। अभी हम मंदिर की दीवारों पर जो नक्काशी की गई है वो भी आपको दिखाते हैं। पूरी मंदिर की दीवार आप देख पा रहे होंगे कि डिजाइन और नक्काशी मूर्तियां से भरी पड़ी है। ऐसा बारीक और इतना सुंदर काम आपको हमारे पौराणिक मंदिरों में ही देखने को मिलेगा। ये जो हाथी की मूर्ति, घोड़े की मूर्ति, जो ये जानवर बने हुए है, और ये मंदिर का शिखर, इतना सुंदर काम इस मंदिर की दीवारों पर किया गया है। पूरा इतिहास इस मंदिर का तो नहीं मालूम, लेकिन इसकी जो बनावट और ये जो मंदिर है, आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित किया गया ये मंदिर है। इसीलिए पौराणिक मंदिर करीबन 10वीं से 13वीं सदी के बीच में बना होगा, ऐसा अनुमान कर सकते हैं। बाकी जो इसकी स्टडी कर रहे हो या जो भी पुरातत्वविद है, उनको ये पूरा इसका हिस्ट्री, स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं, वो सब कुछ उनको जरूर मालूम होगा। अगर ये हमारी वीडियो अगर कोई ऐसे पुरातत्वविद या ऐसे कोई इतिहास के जानकार देख रहे तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये किस तरह का मंदिर है और ये शैली जो है किस समय की शैली है। हमें कमेंट में जरूर डालिएगा। और ऐसे सुंदर मंदिर जो हमारे देश की धरोहर, गौरवशाली इतिहास है, वो हम सब आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और ऐसे ही सुंदर मंदिरों की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा, या कि बेल आइकन दबा दीजिएगा, इससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद।